एजुकेशन एकेडमी के नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एपीएस यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके अंतर्गत जो भी आवेदन लिए जा रहे हैं वो 20 तारीख से लेकर के यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में आप सब लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। 20 सितंबर से लेकर के और 5 अक्टूबर के बीच में आप लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए जो भी अभ्यर्थी अर्हता रखते हैं वो इस पे जो है आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए दो प्रकार की जो है योग्यता की बात कही गई। एक शैक्षिक योग्यता है और दूसरी जो है उम्र। तो इसमें उम्र के लिए जो है वो 21 से लेकर के 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप के जो है एपीएस की बात कही गई है। एक जो है इंग्लिश के लिए है और दूसरा हिंदी के लिए है। हिंदी के लिए जो है इसमें 8 सीटें हैं और इंग्लिश के लिए इसमें 60 सीटें हैं। इसमें स्नातक दोनों में स्नातक की जो है डिग्री मांगी गई है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्नातक। और इसके साथ साथ इसमें जो है वो स्टेनोग्राफी की जो है स्पीड और टाइपराइटिंग की स्पीड भी मांगी गई है जो कि स्टेनोग्राफर के लिए जो है 100 वर्ड पर मिनट रखी गई है और इसमें जो टाइपराइटिंग की स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसी तरीके से हिंदी के लिए जो है वो 100 वर्ड पर मिनट 100 वर्ड जो है पर मिनट होना चाहिए और इसी तरीके से टाइपराइटिंग की जो स्पीड है वर्ड स्पीड जो है वो 30 है। इसमें रखा गया यहाँ 40 है, यहाँ पे 30 रखा गया है। तो इस तरीके से इसमें जो अर्हता एकेडमिक लेवल पे है वो केवल स्नातक ही रखा गया है, बाकी इसके बाद जो है आपको इस तरीके से जो टाइप के संदर्भ में विशेष योग्यता होनी चाहिए। आपको एक जानकारी ये है रखना होगा कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जहां पर केवल सामान्य स्तर की जो है अर्हता क्वालिफिकेशन एकेडमिक लेवल पर मानी जाती है वहां पर बहुत भीड़ होती है। तो इस तरीके से यदि इस प्रकार के जो है आप विशिष्ट स्किल डेवलप कर लेते हैं तो वहां पे न केवल भीड़ होगी बल्कि इसके आधार पे आपके वहां पे चयन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को टाइप से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज और उससे संबंधित जो बेसिक आपके कोर्सेज हैं, डिग्री है, उसको हासिल कर लेना चाहिए जिससे ऐसे परीक्षाओं में आप सम्मिलित हो सके, अंतिम रूप से जो है चयन आप ले सकें। और दोनों पदों के लिए 21 से जो है 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो है लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन के लिए जो शुल्क है वो 1200 रुपये और जो है 1000 रुपये है, यानी कि एससी और एसटी के लिए और जो है इधर यूआर एंड ओबीसी के लिए। इसी में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जो है रखा गया है। तो इस तरीके से 1200 और 1000 के फीस के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो है आप जो अर्हता है उसको ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के जो है आधार पर होगा जिसके संदर्भ में अलग से नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी चयन का आधार है वो परीक्षा है और परीक्षा जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। जनरल स्टडी की परीक्षा पार्ट 1, पार्ट 2 में जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और 3 के अंतर्गत जो ये टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जो है आपके स्किल की जांच की जाएगी। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप जो नोटिफिकेशन को देख लीजिए और नोटिफिकेशन में एग्जाम को लेकर के एक विस्तृत जो है गाइडलाइन जारी की गई है ताकि उसके किसी तकनीकी पक्ष से जो है अगर गलती हो तो वो परीक्षा में कम से कम बच सके आप। तो कुल मिलाकर के ये है जो है एपीएस के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी। तो जो भी लोग आ रहे हैं क्वालिफाइंग इसमें जो है क्वालिफिकेशन रखते हैं वो आवेदन करें और इस परीक्षा के लिए जो है तैयारी में जो अभी से जुट जाएं, क्योंकि अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तभी एग्जाम के लिए आप कंप्लीटली जो है आप इतनी तैयारी कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप तत्काल जो है अपने आवेदन करके और परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में पुनः एक नई नोटिफिकेशन की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।